लव जो है वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं होता, और लाइक देर इज नो पोजेशन इन दैट. बट व्हाट्स विद लविंग समवन, या माय वर्ड्स माइट बी नॉट अप्रोप्रिएट, बट ओवर लाइक समवन स्पेशल ओवर द एंटायर और ऑल. सो लाइक जैसे इन समवन प्रेजेंस ओनली यू फील लाइक, अगेन नॉट फीलिंग बट इट्स ओके, इट्स नाइस एंड फाइन, लाइक जस्ट बाय द मेयर प्रेजेंस, एंड देयर नीड नॉट बी मच हाँ फिजिकल कम्युनिकेशन. पर वो सबके साथ नहीं होता, मतलब फॉर इंस्टेंस देयर सम पर्सन, यस, सो जस्ट बाय द मेयर प्रेजेंस ऑफ दैट इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नाइस. सो व्हाट इज दैट? Suspicious. It's good. The seed being not there, but here, like in It's the wonderful. presence of the other. See, this is the whole thing about love. Love has to have its beginning in duality. There will always be an other to begin with. No duality, no love. You remove duality, एंड ऑल दैट रिमेन्स इज इंटेलिजेंस. लव तो है ही तभी तक जब तक दो है, नहीं तो लव का कोई अर्थ नहीं. हाँ, लव का आखिरी कदम वहां होता है जहां दो की जगह एक, वरना प्रेम शब्द का कोई अर्थ नहीं है. प्रेम शब्द का कोई अर्थ नहीं है अगर दूसरा नहीं है. प्रेम शब्द तो है ही दुनिया का, हम ब्रिज की बात करते हैं ना, ब्रिज, प्रेम ब्रिज है. कौन सा ब्रिज? बिटवीन दिस एंड दैट. हम कहते हैं मन है और मन का सोर्स है, और दोनों के बीच में एक ब्रिज भी है. दोनों अलग अलग नहीं है, एक टेथरिंग है ना, एक रस्सी है जो दोनों को बांधे हुए है. उसी रस्सी का नाम प्रेम है. प्रेम की शुरुआत तो मन से ही होगी, पर प्रेम वो रस्सी है जो मन को उसके स्रोत में डुबो देगी. शुरुआत तो ऐसे ही होगी, कोई सामने आया. अब कोई सामने आया तो जो सामने आया वो एक सेंसरी ऑब्जेक्ट है ना, एक देह है जो सामने आएगी, कोई वस्तु है जो सामने आएगी, या कोई आइडिया है, कोई विचार है, कोई किताब है, कुछ भी हो सकती है, जो भी है सेंसरी है. शुरुआत वहीं से होनी है, डुअलिटी से ही शुरुआत होनी है. कोई सेंसरी चीज सामने आई, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, बट दैट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम यू ब्रिंग्स यू बैक टू योर सेल्फ. एज यू आर सेइंग, वो जो ऑब्जेक्ट है अब वो आपको आपसे दूर नहीं ले जाता, उस ऑब्जेक्ट के होने से आप अपने आप को पाने लग जाते हो, और इस पाने में वो ऑब्जेक्ट भी बदलता है, भूलो मत. तो ये बड़ी जबरदस्त घटना है. व्हेन यू आर मोर ऑफ योर सेल्फ क्लोज टू समबडी, समथिंग, सम बुक, देन दिस इज लव. व्हेन यू डोंट नीड टू बी आर्टिफिशियल, कुछ कुछ ये चिन्ह है, इनको समझना कैसे जानो कि प्रेम है. जिसके सामने तुम्हें झूठ ना बोलना पड़े वहां प्रेम है. जिसके सामने तुम्हें आर्टिफिशियल होने की जरूरत ना हो, नकली होने की जरूरत ना हो, वहां जानना कि प्रेम है. जिसके सामने आके विचार रुक जाते हो, शांत हो जाते हो, वहां जानना प्रेम है. और इसका उल्टा जहां होता हो, जो तुम्हें उत्तेजित कर दे, वहां प्रेम नहीं. जिसके सामने आकर के तुम्हें एक पर्सनैलिटी पहननी पड़े, वहां प्रेम नहीं. जिसके सामने आकर के सारी पर्सनैलिटीज फिजूल लगे, वहां जानना कि प्रेम है. जहां सारी पर्सनैलिटीज फिजूल लगे वहां जानना प्रेम है.
जिसके सामने ऐसे समझो कि तुम नंगे हो सकते हो, वहां प्रेम है। यहां तुम कुछ भी उस जिसके सामने से, मतलब ये नहीं कि उसको दिखाने के लिए, जिसके सामने तुम्हें अपना सच पता लगे, जो तुम्हें तुम्हारे करीब ले जाए, वहां जानना प्रेम है। अगर तुम्हें किसी से मिलने के लिए नए कपड़े पहनने पड़ते हैं तो वहां प्रेम नहीं है। प्रेम वहां पर है जहां पर तुम जो हो सो हो। प्रेम वहां पर है कि जहां पर अगर तुम आर्टिफिशियल होकर के गए तो बात बिगड़ जाएगी। प्रेम वहां है कि जहां अगर तुम नकली हुए तो बात बिगड़ जाएगी। समझ रहे हो? और ये शुरुआत है, ये दूर तक ले जाएगी चीज। सो ऑफ कोर्स लव, कैपिटल लव, परम प्रेम, ये आसमान से नहीं बरसेंगे। द इनिशिएशन हैज टू बी इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ। इन द बिगिनिंग इट विल जस्ट बी लाइक एन अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स इट कैन बी नथिंग एल्स बिकॉज द माइंड नोज नथिंग बट अट्रैक्शन। इन द बिगिनिंग इट हैज टू बी जस्ट एन अट्रैक्शन, बट देन व्हेन यू एग्जामिन दैट अट्रैक्शन, व्हेन यू एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ दैट अट्रैक्शन, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज दिस डूइंग टू मी? Bringing me close to myself, इससे मुझे मुक्ति मिली है या बंधन मिले हैं? और ये बहुत मजेदार पैमाना है, बड़ा सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट है ये। जो कुछ आपको बंधन में डाले वो प्रेम नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति आपके लिए कितना शुभ है ये जांचने का एक ही तरीका है कि उसकी प्रेजेंस में आप कितने मुक्त हो। जिसकी प्रेजेंस में आप बंधन मुक्त महसूस करो, जानना कि प्रेम। पर जो बाउंडेशन है वो इस चीज की भी हो सकती है, जो किसी की प्रेजेंस में आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है क्योंकि आपको पता है कि योर क्या नाम है, योर लाइक कैन बी कॉट, जिसकी वजह से आप भारी फील करते हो। देयर इज समबडी एंड इन प्रेजेंस ऑफ दैट वन पर्सन। नहीं, तुम्हें कॉट की समस्या नहीं होती, तुम्हें समस्या ये होती है कि किसके सामने कॉट। हाँ, तो मुझे पता है कि ये एक इंसान, जो ऐसा आदमी हो जिसके सामने पकड़े जाने में तुम्हें अफसोस हो, वहां जानना प्रेम नहीं है। जिसके सामने अनावृत हो जाने में, नंगे हो जाने में अफसोस हो जाए, वहां प्रेम नहीं है। नहीं, ऐसा जैसे कि मतलब कोई एक है जिसमें, जिसके सामने आप जाते हो तो आपका जो भी वो है, जो नकाब है आपका, वो उखाड़ा जा सकता है। इट कैन बी अनरैप्ड एंड द रियल थिंग माइट कम आउट। इन ऑर्डर टू सेव दैट, यू डोंट वांट टू सेव दैट, रिमेंबर प्लीज। ईगो वांट्स टू सेव इटसेल्फ ओनली इन फ्रंट ऑफ अनदर ईगो। Ego is strengthened only in the presence of another ego. Ego भी तैयार होने को, समर्पित होने को तैयार है। तो जिसके सामने तुम्हें अपने आप को बचाने की जरूरत पड़े बहुत, वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ईगो भी रेजोनेट करती है। अब इसमें कोई निराशा की बात नहीं है, क्योंकि जगत में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने तरह का प्रेम संभव है। जरूरी नहीं है कि जिसके सामने तुम अपने अहंकार को गिरा सको उसी के सामने कुंदन गिरा सके, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसमें कोई जजमेंट नहीं पास हो रहा है कि एक व्यक्ति कैसा है, बस बात अलग अलग है। तुम जिसी के सामने अपने आप को पूरे तरीके से खोल सको, जानना वही प्रेम है।
जहां कहीं भी तुम्हें दिखाई दे कि अब बंधन मुक्त हूं, कह सकता हूं, समझ लो वही प्रेम है। और ये बात सिर्फ विचार की नहीं है कि बंधन मुक्त का मतलब ये है कि यार जो मेरे याड़ी होते हैं उनके साथ तो मैं दारू पी लेता हूं तो बंधन मुक्त हूं, तो ये बहुत दूर की बात कर रहा हूं। किस बंधन की बात कर रहा हूं? ये मैं सामाजिक बंधनों भर की ही बात नहीं कर रहा, मैं उससे बहुत आगे के बंधन की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा बंधन तो मन खुद है, जिसके सामने तुम बिल्कुल सहज हो सको, वहां प्रेम। वही कह रहा हूँ कि अगर दोस्तों के सामने होगा तो खूब ऐश है, पीना पाना है और ये सब है। अगर फॉर जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं पेरेंट्स के सामने जाऊँगा तो वो इस पीने पाने को और नाइट आउट को इसको चिक चिक करेंगे। सो विद फ्रेंड्स आई फील लाइट, विद पेरेंट्स आई फील हैवी। पर सिचुएशन तो अजीब है ना, जहाँ हैवी फील कर रहा हूँ वहाँ पर यू विल फील मोर हैवी विद द फ्रेंड्स व्हेन यू लेट देम नो हु यू आर। सो वो एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन नहीं है, वही असलियत है। वो असलियत है पर वो नहीं होता, क्या नाम है, this lightness that you are talking of with the friends, that's false. And I know that's false because a lot of times when the same environment is not there, jo bhi hai same cheez nahi hoti to ek aur heaviness ban jati hai, or you seek for that lightness, you demand that lightness. I realize that, but ye bhi ho sakta hai ki wahi jo ladka hai jo kya naam hai पार्टी कर रहा है और दारू पी रहा है डेली और ये सब, वो ऐसे किसी के सामने नहीं जाना चाहता जो उसके बारे में उसे टोकेगा या फिर नहीं जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि फ्रेंड्स के साथ ही इज इन अ लविंग रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स। तो कह रहा हूँ फॉल्स है इसकी लाइटनेस। तो इसका मतलब एक हैवीनेस भी हो सकती है विच इज कमिंग आउट ऑफ लव। दैट हैवीनेस इज थॉट, that heaviness is not love. Had it been part of it, no, that is not an initial part. That heaviness is as false as that lightness. तुम उस lightness को तो false बोल रहे हो, उस heaviness को real बोल रहे हो। वो heaviness पूरी thought है। हाँ। वो पूरी thought है। हाँ। But that heaviness, I see that it is directing you to certain lightness. That heaviness, what will it do according to you? तुम कह रहे हो वो heaviness तुम्हें रोकेगी उसके पास जाने से, यही कह रहे हो ना? रोकेगी नहीं, आपको बता देगी you are completely acceptable and you're great if you without the alcohol. That heaviness prevents you from going close to that person who exposes your truth, right? यही कहा ना? अब क्या होगा? Heaviness is not there before going to that person. अब क्या होगा? Now you have experienced this, coming close to that person. There is an heaviness because things get shown up. अब क्या होगा? I avoid going to that person. अब क्या होगा? और heaviness. फिर क्या होगा? I'll just avoid. I'll have more of alcohol. I'll फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? You will never really be able to avoid him. दिमाग में तो चल ही रहा है। इतना ही है ना, person थोड़ी important है। वो heaviness अपना काम कर गई, वो lightness है। तुम workout कर दो, तुम कह दो जिंदगी में तेरी शक्ल नहीं देखनी है, वो बंदा अपना काम कर गया, वो physically नहीं है। मैंने कहा उसकी presence में ना, उसकी प्रेजेंस अब फिजिकल नहीं है पर वो तुम्हारे साथ है, तब तुम उससे भाग नहीं सकते। अब तुम उससे भाग सकते ही नहीं हो। ये प्रेम है, ये एक बड़ा विचित्र प्रेम है पर ये जबरदस्त प्रेम है। अब तुम उससे भाग नहीं सकते। तुम तमाम तरीके के बहाने करोगे, बिल्कुल करोगे। प्रेम तुम्हें कितना कष्ट देता है ये रूमी से पूछो ना, पर फिर भी उसका आकर्षण इतना ज्यादा होता है कि तुम उससे भाग नहीं सकते। हाँ, एक छोटे से समय के लिए देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं भाग लिया,
यू कैन बी अवे फॉर 6 months, 1 year, 10 years, 50 years, यू मे फील दैट वे, बट नो 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 नो. द वेरी थॉट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अवे इज अ थॉट. यस. दिस इज द लव अफेयर. द लव अफेयर हैज ऑलरेडी स्ट्रक. नाउ यू वोंट बी एबल टू रन अवे. लाइक द अटेंशन व्हिच कम्स बैक. हाँ, इट विल कम बैक, इट इज देयर. तो प्रेम वही नहीं है जो मीठा मीठा है. ये थोड़ा सा कड़वा कड़वा वाला प्रेम है, पर इस प्रेम में एक गहरी खिंचाव तो है ही, और तुम उस खिंचाव से मुक्त नहीं हो पाओगे. जहां कहीं भी वो खिंचाव महसूस करो, जहां मन तो कह रहा है कि आई विल नेवर गो बैक, आई डोंट वांट टू सी दैट पर्सन्स फेस, और आई डोंट वांट टू रीड दैट बुक, और मन बार बार यही कह रहा है, तो समझ लेना कि लव स्टोरी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. अदरवाइज आई कुडंट हैव हेटेड सो मच. बेसिकली ये जो हो रही है पर्सन या कुछ भी चीज है, हेटेड और लव, इसमें दूसरे से ज्यादा अपने पे देखने की ज्यादा इंटरेस्ट होता है. देखिए, मैं कह सकता हूँ, पर ये कहने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपने को देखना उतना आसान होता नहीं. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू लुक एट योरसेल्फ वेरी ऑनेस्टली विदाउट प्रेजुडिस. बड़ा मुश्किल है. लव हेल्प्स, इसीलिए लव ग्रेस है, प्लान्ड नहीं होता. जो काम आप खुद नहीं कर सकते थे वो कोई और कर देता है आपके लिए. लव इसीलिए ग्रेस है ना, आपसे खुद होता नहीं और आपने चाहा भी नहीं, और कोई आ गया और काम हो गया, आपके बस की नहीं थी. हाँ, ये अलग बात है कि वो जो आ गया वो मन को नहीं भा रहा, तो मन उसे 100 गाली दे, ये बिल्कुल हो सकता है. पर मन की गालियां भी यही बताती हैं कि प्यार बड़ा पक्का है. मिले भूत गाली तो उसका एक ही रिप्लाई, आई लव यू टू, बट यू डोंट नीड टू रिपीट इट सो ऑफन. आपको गाली दिए जा रहा है, बोलिए ठीक है, ऑल आई एम हियरिंग इज आई लव यू, आई लव यू टू. यही है, कुछ हो ना रहा होता तो इतनी नफरत कहां से आती. तुम्हारे जीवन में इतने लोग आते हैं चले जाते हैं. एक हेट्रेड का, नफरत का एक कारण बड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है आसपास. और ऐसे द मोर यू आर अनअफेक्टेड द मोर पीपल हेट यू एंड द मोर दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू. They are worshipping you. I'm not sure of, but this love is worship. आपको मैंने कोई गिफ्ट दिया, and हाँ, चचा का वही मान लीजिए, 3 pages ही मान लीजिए, और वो बड़े ही मन से सजोया गया था, और ये सब का इधर उधर भागा था मैं उसके लिए, वो चीजें लाने के लिए और वो सब करने के लिए. मैंने बढ़िया से पैकिंग करा के उस दिन नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ, वो मैंने गिफ्ट दिया और आपने वो गिफ्ट किया. हाँ, थैंक यू. तो क्या गिफ्ट किया जी? अब दिल टूट गया. वो दिल टूट गया. अब दिल टूट के क्या करोगे? अब देखो ना, अब होगा क्या. डिवाइन के प्रोसेसेस बड़े विचित्र हैं. अब तुम मन क्या कह रहा है? मैं ये रूठा हुआ हूं, मैं ऐसे ऐसे. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम सामने पड़ोगे, और सामने पड़ते ही क्या होगा? गाली गलौज. और फिर तुम्हें अपने मन के बारे में क्या दिख गया? नौटंकी. चले, तू नौटंकी है. अभी इतना बोल रहा था कि ये नालायक है, ये हरामी, और सामने पड़ते ही सब भूल गया.
नहीं मैं भी ये नहीं जैसे समझाओ ठीक है अरे नहीं है अरे तुम तुम चचा की बात कर रहे हो ना चचा की बात नहीं अभी तुमने एग्जांपल दिया था ना उसी एग्जांपल से बता रहा हूँ एग्जैक्टली यही होता है सर वो यहाँ होता है हर जगह होगा नहीं सर वो यहाँ होता है मैं आपको जो तुमसे नफरत करता हो जम के वो जम के भी तो नहीं होती जितनी भी है सामने बैठ जाओ मैंने आपको गिफ्ट दे दिया उसके बाद आपने मतलब वैसे हाँ ठीक है थैंक यू साइड में और फिर बात आपने शुरू कर दी उसके बाद देयर टन्स ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू डू नाउ द नेक्स्ट टाइम आई कम इन फ्रंट ऑफ यू आई विल मेंटेन अगेन व्हाट इज दिस दिस गिफ्ट वाज गिवन विद अ लॉट ऑफ लव यू आर अज्यूमिंग दैट राइट इफ आई वांट टू कॉल इट लव नहीं then we are not talking anything. we are talking for a simple. Are we talking of formality? वो जो gift है क्या वो formality है? Not formality, informality. I won't run, I won't swear. Then the fundamental assumption is that gift was a gift of love. ठीक है. Was that a gift of love? That was. Right. You didn't pay attention. Step one. I am assuming that वही just an example. वही बंदा जो अपनी टी शर्ट का बड़ा ख्याल रख रहा है और पसीना नहीं आने दे रहा है वही अपनी भत पिटवा रहा है और वो साइकिल सो लेट सेटल इट एंड जस्ट से इट वाज अ गिफ्ट ऑफ लव ठीक है व्हाट डिड यू डू स्टेप वन गिफ्ट ऑफ लव स्टेप टू इग्नोर बाय द अदर पर्सन इग्नोर स्टेप थ्री क्या होगा दिस पर्सन फील्स हर्ट एंड हेटफुल ऑफ कोर्स द गिफ्टर ऑब्वियसली उसने तो इग्नोर किया है वो थोड़ी फील करेगा हर्ट इग्नोर नहीं करा दूसरे ने इग्नोर नहीं करा दूसरे ने कहा ठीक है अरे हाँ भाई इसकी नजरों में इग्नोर ही हुआ ना हाँ गिफ्टर की तो इग्नोर और क्या है और क्या होता है सर इग्नोर ये होगा कि क्या है पका क्यों रहा है साइड में वो भी एक बिहेवियर है ना वो भी तो एक बिहेवियर ही है ना मैंने एक न्यूट्रल चीज को इग्नोर बोला है अभी इसकी नजर थी इसने इग्नोर किया इसने गिफ्ट ऑफ लव दिया इसको लगा उसने इग्नोर किया है अब क्या होगा अब क्या होगा क्या कोई तरीका ही नहीं है इतनी मेहनत करके कोई आदमी चीज ला रहा है लव का गिफ्ट है भूलना नहीं दिस पर्सन इज अ लविंग पर्सन अब क्या होगा गाली तो देगा ये तो पक्का है पर अब क्या होगा फिर क्या होगा गाली के बाद मुल्ला की तो हम मस्जिद तक दूसरा एक और गिफ्ट आएगा सामने पड़ेगा फोन पे पड़ेगा किसी तरीके से संपर्क होगा फिर क्या होगा And remember, the person is a loving person. अब क्या होगा? If the person is still a loving person, still माने क्या? मैं still बोलूँगा. इसमें ये थोड़ा ना कि एक shape ये love की shape आ गई और ये permanent है. Thoughts keep changing. The fundamental of this fellow and that fellow have not changed. An event has happened. And if that's about the fundamentals, then everybody is loving. No, not at all. I'm talking about the fundamental of the mind. An event has happened. The fundamental cause has not changed. अब क्या होगा अब जब दोबारा सामने पड़ेंगे ये तो एक इवेंट घट गया है जो एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं था पर अब जो दोबारा सामने पड़ेंगे तो फिर क्या होगा शिकायतें अगर ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उसके अभी नहीं हुई पहली बार मिल रहे हैं उसके बाद वही गाली गलौज होगी फिर उसके बाद चुप्पी फिर मेरे को तो दिख रहा वही है कि दूसरे किसी जतन की वो होगी द फंडामेंटल कॉज विच अट्रैक्ट्स यू टू दैट पर्सन इज स्टिल वेरी मच देयर And I am right in front of you and the fundamental cause is present. So what will happen? Fundamental cause to maujood hai. To kya hoga do aamne saamne baithenge to? But I do not know that that's the fundamental cause. You may not know, but your essence knows.
Your thought does not know. But I'm still disappointed because you do not know why you are being attracted to a particular fellow. But still the attraction is there, or is it not? Hmm. So the fundamental cause is there. The attraction is still there. Hmm. So you go and sit in front of that person. Hmm. Thoughts are saying, this fellow is an idiot. Hmm. Every impulse is saying, go hug him. So what will happen? Irritation, conflict. Ultimately, who will win? The essence. तुम्हारी जिंदगी में कौन जीत रहा है आज तक? Thought या वो जो गहराई से impulse उठती है? कोई competition है नहीं जो. पांच साल से क्या हो रहा है? Thought will say, here is a rascal. There is no point of discussion and discussing the fact ki what wins. Thought never wins. बस फिर यही तो है love. Thought can never win. बस. But and when this thought will lose, what will you learn about thought? I won't learn. I will ignore that. That may happen. That may happen. That I may will ignore that. That or we, we नहीं बोलूँगा कभी ऐसा लगे generalize. I live in thoughts. That may happen. My whole day is thoughts. You live in thoughts, all right? Because you have no reason till now to believe that thought is not powerful. The world around us is all created by thought. So we have a reason to think that thought is very powerful. But that moment where all your thought is saying, shoot him, and yet you go and hug him, in that moment, you cannot ignore the very fact that thought is senseless, powerless. Powerless. That's the revelation of love. सोचते तो बहुत हैं कि आगे बात नहीं करेंगे, पर सामने पढ़ते हो तो बात करे बिना रहा भी नहीं जाता. तो इससे अपनी सोच के बारे में ही क्या पता चला? इसकी कोई औकात ही नहीं है, तो सोचो ही मत. अब लेकिन ये इंपल्स भी दो तरीके की हो सकती है. सारी गड़बड़ तो वहीं पे आती है ना. सारा गेम ही वही है. अब ये भी हो सकता है कि वो इतनी सेक्सी है कि दिख ही नहीं कि पकड़ लो. I was about to call this conditioning. वो भी होने को वो भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कि एक शरीर दिखा नहीं और कूद पड़ेगी अब. और बात दूसरी भी हो सकती है. छूने छूने में अंतर होता है. शरीर ही शरीर से कैसे मिल रहा है इसमें अंतर हो सकता है. होता है. समझने वाले समझते हैं, नहीं समझे वो तो नहीं समझे. स्वीट स्वीट नहीं रहेगा लव कभी. जो पुकार होती है ना वो मन को तोड़ती ही है. मेरे ख्याल से खलील जिब्रान का है, पता नहीं किसका है, कि जब वाकई प्यार होता है तो सबसे पहले तो छक्के छूटते हैं, पसीने निकल जाएंगे. और जो प्यार पसीने ना निकाल दे, कपा ना दे बिल्कुल, वो प्यार है ही नहीं. क्योंकि असली प्यार तुमसे करेज मांगता है, ज़बरदस्त करेज खड़े होने की. ऐसा नहीं होता कि बैठे बिठाए चाय की चुस्कियों के साथ स्वीट लव अफेयर. रियल लव इज एन एक्सप्लोजन एंड यू हैव टू बियर दैट एक्सप्लोजन विद इन योरसेल्फ. इट्स लाइक एवरी बिट ऑफ योर स्ट्रक्चर इज बीइंग डायनामाइटेड. तुम जो कुछ हो सब में बिल्कुल बुम बुम एक एक करके बम फट रहे हैं और तुम रोक भी नहीं रहे हो. अभी ये फूटा वो फूटा, ये सब सब तबाह हो रहा है. जो जिंदगी तबाह ना कर दे वो प्यार नहीं. तो वहां तो तुम जो कह रहे हो वो होगा ही होगा कि नफरत होगी, भागो. तुमने 100 तरह के सपने सजा रखे हैं. आप एक खास तरह की परवरिश से आ रहे हो और आप एक खास देश में हो. आपको बताया गया है कि शादी ऐसे ऐसे से करना, ये करना वो करना. और ठीक है, क्योंकि आपको प्रेम का अनुभव नहीं तो आपने वो सारी बातें मान भी ली हैं. आपको शादी का आकांक्षा ध्यान से समझ लो. अब तुम देखो अभी भी समय, एंगेजमेंट ही हुई है अभी.
अभी अभी भी समय है। तो अब आप एक खास देश में, खास माहौल में पले बड़े हो, और आपको बताया गया और आपने मान भी लिया है, और आपके मन में एक छवि भी पैदा हो गई है कि लड़की तो ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल आपको उस छवि में यकीन भी है, और उस छवि से मिलते जुलते जो चित्र हैं वो आपने अपने कमरे में लगा भी लिए, आपने अपने कमरे में एक ब्रैड पिट की फोटो भी चिपका दी, क्योंकि आपके छवि यही बनी है। और जो ब्रैड पिट है वो कौन सा ब्रैड पिट है जो आपने छवि जो यहां पे लगाया है, वो ऐसा ब्रैड पिट है जो हिंदुस्तानी है और त्यागियों के खानदान से है, तो ब्रैड त्यागी और गोत्र भी मैच करता है, ठीक है, और वो ऐसा ब्रैड पिट है जो घर आएगा और आते ही बिल्कुल पापा के पांव छुएगा, और मां से कहेगा आंटी जी आप चाय कितनी अच्छी बनाते हो, ठीक है, और आपके हाथ का हलवा खा करके तो मैं बिल्कुल, तो ये वो वाला ब्रैड पिट है, मतलब सब कुछ बिल्कुल पहले से इंडियन ब्रैड पिट है, तो सब कुछ कस्टमाइज्ड, तो सब बिल्कुल से तय है पहले से, और आपको यकीन भी हो गया है, आपको सपनों में भी वो ब्रैड पिट आने लग गया, और आपने मनी मन उसको पति बना दिया है, यू आर माई, सब हो गया है। उसके बाद एक दिन अचानक एक ऐसे आदमी से जो ज्यादा कमाता नहीं है, जो कतई कोयले की तरह काला है, जिसमें वो कोई गुण नहीं है जिसकी आपको अपेक्षा या कल्पना थी, जिसकी शायद उम्र भी आपसे मैचिंग मैचिंग नहीं है, हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हो या बहुत बड़ा हो, जो अलग धर्म का है, जिसकी हो सकता है भाषा भी अलग हो, आप एक दिन पाते हो कि आप उसकी ओर खींचे जा रहे हो, अब जीवन में डायनामाइट लगेगा कि नहीं लगेगा, और आप उस आदमी से नफरत करोगे कि नहीं करोगे, खिंचाव जितना ही होगा नफरत उतनी ही गहरी होगी, मन की, मन की नफरत क्यों गहरी होगी, मन को जो कुछ चाहिए था सब तोड़ दिया इस आदमी ने, मैंने जिस जीवन की कल्पना करी थी ये आदमी मुझसे बिल्कुल उस जीवन से दूर लिए जा रहा है, तो प्यार तो करते ही है, ये आग लगा देता है आपकी सारी हसरतों में, आग लगा देता है, आपको जो चाहिए वो प्यार वो देते ही नहीं, उसके तो अपने अलग कारण है, आपके कारणों से प्यार नहीं चलता, और अब आप झुंझलाओगे, रोओगे, आप उस दिन को कोसोगे जिस दिन उस आदमी को आपने देखा, ये आया क्यों जीवन में, पर क्या कर सकते हो गया, यही है, what to do, powerless, it's an accident, क्या करोगे, अब वो बदलने को भी तैयार नहीं, अब आप चाहोगे कि भाई ठीक है तू घुसे ही चला आ रहा है तो कम से कम थोड़ा कस्टमाइज कर ले अपने आप को मेरे हिसाब से, वो बदलने को तैयार नहीं, आप धमकी दे रहे हो तो ये छोड़ दूंगी, देख ले मेरे को वैसे ही पसंद नहीं तू, छोड़ा आपसे जा नहीं रहा है, ये प्रेम का एक और लक्षण है, जिसको छोड़ने का सदा मन करे पर जिसको छोड़ ना पाओ जान लेना बड़ा गहरा प्यार है, दोनों बातें होनी चाहिए, लगातार मन ये करे कि छोड़ ही दूं इसको, आज ही छोड़ दूं, आज ही ब्रेकअप है, खत्म हो गई बात, तलाक, जा मर, मन रोज करे छोड़ने का और छोड़ा भी ना जाए तो समझ लेना प्यार है, अब दिक्कत वही है ना कि ये जो ये सारी बातें दूसरे तरीके से इनका बड़ा दूसरा अर्थ निकलेगा, पर अभी समझो सारी बातें एफबी पे लगा दी जाए सारे आशिक आपको लाइक करेंगे जिसको छोड़ने का मन करे जो बड़ी सताए और ये सब सारे नहीं वो एक छोटी सी कविता है दृग उलझत टूटत कुटुम जुड़त चतुरचित प्रीत दिए पड़त गांठ दुर्जन ये दई नहीं है दीप, मतलब ये चारों इवेंट्स होती हैं जो ना दोनों से एक दूसरे से अनकनेक्टेड है, अर्थ 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 ये है कि दृग उर्जत पहले तो आंखें मिलती हैं
उसका इफेक्ट क्या होता है, टूटत कुटुंब, परिवार छूट जाता है। उसके बाद चतुर्चित प्रीति, और दो व्यक्तियों के चित्त में प्यार हो जाता है। फिर इससे इफेक्ट क्या होता है, पड़त गांठ गुरुजन ही है, जो दुष्ट लोग हैं उसमें उनके दिल में गांठ पड़ती है, उसको बिगाड़ना चाहते हैं उसी सुखे। तो नई नई यानी कि ऐसी रीति है जिसमें ये चार इवेंट्स होती है, चारों इवेंट्स एक दूसरे से अनरिलेटेड है लेकिन ये चारों होती है। सूफी का पढ़ रही थी, इसी में बिवेयर ऑफ लव करके आया था। सटल डिग्रीज ऑफ डोमिनेशन एंड सर्विट्यूड और व्हाट यू नो एज लव, बट लव इज डिफरेंट, इट अराइव्स कंप्लीट जस्ट देयर लाइक द मून इन द विंडो। डिजायर ओनली दैट ऑफ विच यू हैव नो होप, सीक ओनली दैट ऑफ विच यू हैव नो क्लू। लव इज द सी ऑफ नॉट बीइंग एंड देयर इंटेलेक्ट ड्राउन्स। This is not the Oxus River or some little creek. This is the shoreless sea. Here swimming ends always in drowning. A million galaxies are a little scum on the shoreless sea. Dusra Persian song tha, don't come near to the lane of lane. Love, it is not a thoroughfare. You cannot sleep, you cannot eat, you don't enjoy the world anymore. Don't even look in the direction of the lane of love. What can I do? Helpless I am. तो जो लोग एक दूसरे को बड़ा दिखाई दे कि बड़े खुश हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को बस प्लीज कर रहे हैं। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ प्लेजर। ये जो हाथों में हाथ डाले घूमते दिखते हैं, ये लव नहीं है, ये प्लेजर है। लव जहां होगा वहां तो नफरत होगी, समझना इस बात को। जो तुम्हें प्लीज कर रहा है उससे तुम्हारी लविंग रिलेशनशिप नहीं हो सकती, और नफरत जितनी बढ़ेगी प्यार उतना गाढ़ा होगा। तुम सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो, सोचो ना। तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो अपने मिट जाने से। तुम्हें सबसे ज्यादा वही नागवार है, मैं मिट जाऊं। तो जहां कहीं ये अपरेंट लव देखो तो वहां समझ जाना कि प्यार नहीं है ये। जहां भी दो लोग बहुत खुश दिखे एक दूसरे के साथ, वहां वो खुश इसलिए हैं क्योंकि वो उसकी मांग पूरी कर रहा है, वो उसकी मांग पूरी कर रहा है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये खुशी है आपस की। तो इसको तो समझ जाना, ये अच्छा बेटा, बढ़िया है, ठीक है, डील अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट इज हेल्पिंग बोथ द पार्टीज, बोथ आर हैप्पी, दे आर प्लीज्ड। मैं इसकी बात कर रहा था कि अपने मिट जाने के बाद जिसके सामने हो, मैं इसकी बात कर रहा था। प्यार वहां है जहां पर खतरा हो। प्यार तो जहां भी होगा उसके सामने जाते हुए खतरा तो अनुभव होगा ही होगा। प्यार वहां है जहां पर बिल्कुल अपने आप को खोल देने का मन करे, और जैसे ही मन करेगा अपने आप को खोल देने का, एक दूसरी आवाज उठेगी मन से ही जो कहेगी, भाग बेटा, कर क्या रहा है तू, पागल हो गया। तो दोनों बातें हो, एक तरफ तो मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। अभी जब आप बता रहे थे, एक मूवी आई थी, बड़ी मूवी अपनी रोती रहती है, परदेश स्वदेश पता नहीं क्या थी, वो उसे बाहर वो जाती है, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया वाली। आपने गाना था बड़ा मजेदार, आखिरी में था नहीं होना था, नहीं होना था लेकिन हो गया। वो गाना जिस तरीके से गाया गया है, वो लिटरली somebody is laughing on you कि अब तो गए तुम। बड़ी खतरनाक चीज है।
तो ऐसा कंप्लीट तो होता नहीं है, तो ऐसे लोग जो कुछ हद तक आप अपने आप को ओपन कर पाते हैं। नहीं, मैं वो जो ओपनिंग का प्रोसेस है था, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें रास्ते में एक बाधा है। कौन सी बाधा है? खुद की अपनी बाधा है ना। हमने कहा था कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। अब मिल तो गए हो, पर फिर क्या करोगे मिलके? आंख चुराओगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कंप्लीशन का फिर एक ही तरीका है कि फिर इसके पार, कि फिर मिल ही जाओ, पर फिर वो लव नहीं रहेगा क्योंकि लव तो दो में, अब वो एक वाला लव हो गया। Till the time it is with an object, it has to have a conflict. हाँ हाँ हाँ. It has to have a conflict. तो उसमें आहटें उसी की होंगी, पर उन आहटों के अलावा बहुत सारी गंदगी होगी। आहटें तो होंगी उसी की, पर उन आहटों के अलावा गंदगी बहुत सारी होगी। आकर्षित भी होगे और डरोगे भी, प्रेम भी करोगे और अपने आप से ही स्वीकार नहीं कर पाओगे कि गहराई से प्रेम करता हूं, बल्कि अपमान लगेगा कि जो मुझे इतना परेशान करता है मैं उससे प्यार करता हूं, क्या मेरी जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मैं क्या इतना गया गुजरा हूं? तो कन्फ्लिक्ट में रहोगे। उसका फिर एक ही तरीका है कि, और अगर ये कन्फ्लिक्ट जारी रहे तो अंततः ये खुद ही सुलझ भी जाएगी, तो आपको कुछ विशेष करना नहीं है। प्यार ग्रेस है, आपकी बदकिस्मती थी कि वो आपको स्ट्राइक कर गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, योर कॉल। जैसे कि आखिरी स्टेज से कैंसर में आप डॉक्टर के पास जाओ, बोले कि टू लेट, यू आर ऑलरेडी गॉन, थ्री मोर मंथ्स।